हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे एंड एकदम मस्त होंगे। गाइस, आज की वीडियो देख सकते हैं, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ गाइस इस 300 वाट RMS सबवूफर बोर्ड के ऊपर, जो कि गाइस देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया क्वालिटी में आता है। एंड गाइस, आज की वीडियो में इसी का रिव्यू करने वाला हूँ। जो भाई चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। गाइस चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो गाइस, इस बोर्ड के बारे में बात करूँ तो गाइस ये एक सो गाइज इस बोर्ड के बारे में बात करूं तो ये एक सबवूफर एम्पलीफायर बोर्ड है, और देख सकते हैं गाइज ये बोर्ड इस टाइम ऑन वर्किंग में है। एंड इसके अंदर हमिंग देख सकते हैं गाइज, वॉइस की क्वालिटी इसकी एकदम, जो नॉइस की क्वालिटी है गाइज इस वक्त ये जो बोर्ड है अपना ऑन है, और देख सकते हैं नॉइस हमिंग इसके अंदर 0% है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बेस की वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, फिर भी देख सकते हैं इसकी ये बेस की वॉल्यूम बढ़ चुकी है, और नॉइस देख सकते हैं 0% है। इसका मतलब जो अपना बोर्ड है गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर है। गाइस चलिए इसकी वोल्टेज की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कौन से ट्रांजिस्टर यूज़ कर रखे हैं, अपने कैपेसिटर यूज़ कर रखे हैं जो इसके अंदर, एंड इसके अंदर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितने एम्पियर तक का आप इसमें ट्रांसफार्म लगा सकते हैं, और कितने वोल्टेज तक का सबवूफर इससे रन कर सकते हैं, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच करें गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ, इसके अंदर तोसीबा के 5200 और 1943 के मोसफेट नहीं कहते गाइस, आधे आधे लोग इसे मोसफेट कहते हैं, वैसे ये ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ कर रखे हैं। इसके अंदर 4 कैपेसिटर हैवी 80 वोल्ट, और यहाँ देख सकते हैं 3300 UF के कैपेसिटर यूज़ कर रखे हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर दे रखा है, यहाँ पर आप 40-0-40 45-0-45 तक का ट्रांसफार्म ईजीली यूज़ कर सकते हैं गाइज। एंड पेस तो देख सकते हैं भरपूर आने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर जो इसकी हैवी सप्लाई दे रखी है, यही इस बोर्ड के अंदर खासियत है गाइज, इसकी पावर सप्लाई बहुत ही हैवी है। तो यहाँ पर आप 500 RMS तक का सबवूफर इजीली रन कर सकते हैं इस बोर्ड से गाइज। तो गाइज चलिए इसका एक साउंड टेस्ट देता हूँ मैं आपको, एंड इसकी क्वालिटी आपको खुद पता लग जाएगी कितनी शानदार क्वालिटी है इस बोर्ड की। गैस यहाँ पर इसकी साउंड की क्वालिटी थोड़ी लो इसलिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रांसफार्म यूज़ कर रहे हैं गाइज, एक तो ये 3 एम्पियर भी मुश्किल से ही निकालता है, कहने को 5 एम्पियर होता है। और गाइज यहाँ पर जो हमारा सबवूफर है सॉरी, यहाँ पर जो हम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर 18-0-18 तक की वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। तो गाइज इस वजह से अपने जो सबवूफर है हल्का थोड़ा वर्क कर रहा है। तो गाइज़ अगर इस यहाँ पर ट्रांसफार्म हम हैवी यूज़ कर रहे हैं करेंगे तो यहाँ पर 500 RMS तक का सबवूफर भी आप चला सकते हैं। ये इसकी छोटी सी वायरिंग छोटी सी साउंड टेस्ट थी। बाकी साउंड टेस्ट के बाद मुझे एक थोड़ी सी कमी लगी इस बोर्ड के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो अपना लो पास फिल्टर है गाइज़, इसके अंदर जो लो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं आ रही है अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर हल्की हल्की वोकल्स भी ऐड हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे इसके अंदर मज़ा नहीं आया। बाकी कहने को बहुत अच्छा बोर्ड है अगर आप इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे हैं।
तो इसके अंदर से जो बेस आने वाली है गाइज बहुत ही जानदार आने वाली है गाइज, और इसको इनक्लोज़र में लगा के आप चलाएंगे तो गाइज आपको जो क्वालिटी है परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है गाइज। आज की वीडियो इतनी ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आपको कैसा लगा ये बोर्ड मुझे कॉमेंट में बताइए गाइज। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म।